दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। मैं एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, हम और आप, बल्कि हर कोई जानता है उनको। सोनू सूद, इंसान या देवता, उसे उन्हें इंसान कहे या देवता, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वह इंसान के रूप में देवता ही हैं। उन्होंने ना जाने कितने लोगों की मदद की आज तक। कोरोना वायरस हमारे देश में आया, कितने परेशान थे लोग, इतने परेशान थे कि हर कोई डरा हुआ था। और उस समय जब लॉकडाउन लगा तो हर कोई भूखा मरने लगा, परेशान होने लगे, दौड़ भाग करने लगे, कहाँ से रोजी रोटी चलेगी, कहाँ से खाएंगे। ऐसे में एक इंसान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जो है सोनू सूद। उन्होंने ना जाने कितनों की मदद की है, कितनों को सहायता की है, कितनों को दिल्ली से और दूसरे शहरों से बाहर अपने घर जाने में मदद की है, खाने का प्रबंध और पैसे का प्रबंध, और ना जाने कितनी कैसी कैसी मदद की है उन्होंने। उनका मदद अभी तक कम नहीं हुआ, दोबारा से उन्होंने फिर अपना हाथ फिर बढ़ाया। हर कोई मदद मांग रहा है उनसे, हर किसी की मदद कर रहे हैं वह। सोनू सूद के पास दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कितने लाखों मील चल के आ रहे हैं उनसे मिलना है। एक तो आपने देखा ही होगा, एक लड़का ऐसा दीवानगी कि मुझे सोनू सूद से मिलना है, लाखों मील चल के वह उनसे मिलने पहुंच जाता है। पंजाब से ना जाने कौन कौन से शहर से लोग उनसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को मदद करने के लिए मना नहीं किया। रोजगार और भी ना जाने कितनी मदद वह कर रहे हैं, वह इंसान के नाम पर देवता ही हैं, देवता के रूप में सबके मदद कर रहे हैं। देश में लॉकडाउन लगा था तब लोग कितने परेशान थे, उस समय लोग अपने घर से निकलने के लिए राजी नहीं थे, काम काज छूटा, हर काम छूट गया लोगों का। बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, हर कोई, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर कोई घर पे बैठा हुआ। उस समय कोरोना वायरस से डरा हुआ था, लेकिन ऐसे में सोनू सूद जी ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी चिंता ना करते कि मुझे भी वायरस लग जाएगा, सबकी मदद की। ऐसा इंसान आजकल के ज़माने में कहाँ मिलता है। पैसों से मदद करना, अपने शरीर से मदद करना, तन मन धन से मदद किया उन्होंने। आज के ज़माने में ऐसे इंसान कहाँ देखने को मिलता है। ऐसे वाले इंसान तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन मदद करने वाले आपने सोनू सूद जैसे इंसान ही देखा हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन किसी की नीयत होनी चाहिए मदद करने के लिए, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा नीयत में ही बरकत है। ऐसे सोनू सूद जी है, उन्होंने इतनी मदद की है और इतनी बरकत है उनके पास, कोई भी किसी चीज़ के लिए चला जाता है वह कभी मना नहीं करते, चाहे वह रोज़गार मांगे। आपने हाल ही में सुना होगा एक बूढ़ा बुजुर्ग उनसे रोज़गार मांगने के लिए गए, उन्होंने उनसे पैसे से मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई रोज़गार दो, तो उन्होंने तुरंत उनके लिए ई रिक्शा बुक कर दिया। ऐसे इंसान आजकल के ज़माने में कहाँ होते हैं, सिर्फ सोनू सूद ही ऐसे कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो सोनू सूद जी काम से ज़्यादा लोगों की सेवा करने में अपना समय देते हैं, हर समय खड़े रहते हैं, कभी भी कोई भी उनके पास पहुंच जाए वह तुरंत उनसे मिलते हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी होते हुए कौन किससे मिलता है, लेकिन वह मिलते हैं। बहुत महान है सोनू सूद जी। बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है, यदि हम सोनू सूद की तरह नहीं बन सकते, क्योंकि इतना हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हम उनकी तरह मीठे बोल तो बोल सकते हैं। इस कोरोना वायरस के टाइम पर हमें एक दूसरे की हेल्प तो करनी चाहिए। यदि हम किसी के लिए पैसों से मदद ना कर सकते तो शरीर से तो मदद कर सकते हैं, मीठे बोल से तो कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, यदि कोई किसी से मदद मांगने जाता है तो उनकी मदद तो करते नहीं है, ऊपर से उल्टी सीधे बात बोल देते हैं। दोस्तों, यदि कोई किसी से मदद मांगने जाए, यदि हम किसी की मदद नहीं कर सकते, उनको मीठी बोल से तो उनको सांत्वना दे सकते हैं। ऐसे समय में तो हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। बस मेरी ये बातें यहीं समाप्त होती है, मेरे वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।